हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऐनब खान। आज की वीडियो में मैं एक रेमेडी बताऊंगी फॉर ओपन पोर्स, क्योंकि ओपन पोर्स जो होते हैं वो किसी को भी नहीं पसंद होते हैं। और ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, इट इज़ नोन टू टाइटन पोर्स एंड क्लींस द क्लॉग्ड वंस वेल। तो ये जो रेमेडी बताऊंगी, इसमें सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पर भी खूब सारा प्यार दें। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इस रेमेडी में चाहिए है, इस रेमेडी को बनाने के लिए, वो है टोमेटो। टोमेटो मतलब कि टमाटर। तो जो टमाटर होता है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सेलुलर डैमेज से फाइट करता है और सनबर्न के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। एंड इट इज़ अ एक्सफोलिएटिंग एजेंट। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और वैसे भी टोमेटो दे श्योरली इन्हेंस टेस्ट एंड एड अ जेस्टी टैंग टू योर टेस्ट बड्स। मतलब खाने में तो अच्छे लगते ही हैं, और तो और हमारे फेस पैक्स में भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो टोमेटो जो होता है वो फ्लेवोनॉइड्स एंड पेक्टिन को कंटेन करता है, जो कि एक्सफोलिएशन को ऐड करते हैं एंड स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं। इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स फर्दर वर्क टुवर्ड्स रिमूविंग द डेड स्किन बिल्डअप टू रिवील द ग्लो बीनीथ। जो टोमेटो फेस पैक होता है उसमें ऊडल्स होते हैं और विटामिन सी एंड लिकोपीन, और जो वो दोनों होते हैं विच आर एक्टिव इन फाइटिंग फ्री रेडिकल्स दैट डैमेज द स्किन। सो दिस फर्दर प्रिवेंट्स द एजिंग प्रोसेस, कीपिंग द स्किन हेल्दी एंड यूथफुल। 1 टेबल स्पून हम टोमेटो पल्प लेंगे। सबसे पहले एक टोमेटो लेंगे, उसको हाफ कट कर देंगे, और फिर टोमेटो पल्प जो होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लें। एक बॉल लें, उसमें आप टोमेटो पल्प को ऐड करें। और फिर उसके बाद बात आती है सेकेंड इन्ग्रीडियंट की। इसमें सिर्फ 2 ही इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स आप लोग जानते होंगे, बहुत मतलब ओल्डन टाइम से हमारी फेस पैक्स में यूज़ की जाती है और हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो मुल्तानी मिट्टी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ऐसे मिक्स करें कि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, मतलब ऐसा पेस्ट बन जाए जब भी आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करो तो फिर उससे आपको दिक्कत ना हो, इजीली अप्लाई हो जाए। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको इसको अपने फेस पर लगा लेना है। अच्छे से अप्लाई कर लें पूरे फेस पर। तो ये अब अप्लाई हो चुका है। अब 10 मिनट्स बाद मैं आपसे मिलूँगी। 10 मिनट्स के लिए इसको लीव किया जाता है। तो मिलते हैं 10 मिनट्स बाद। तो ये देखिए, तो ये अभी मैं इसको वॉश करके आ चुकी हूँ। आप बस इस फेस पैक को यूज़ करते रहेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ऐसा नहीं है कि अभी यूज़ किया फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए लीव कर दिया फिर यूज़ किया, टाइम टू टाइम यूज़ करते रहिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको जो वॉश करना है तो आपको सिंपली नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। हाँ, फिर आपको उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज भी करना है। तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस फेस पैक को वीक में 2 टाइम्स यूज़ करना है, यानी कि 1 हफ्ते में 2 बार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब सारा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।